पूछो थारो धर्म किए गए, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों उन्हें ठा के लाओ, जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़ ली, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की बोले भाई, ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म किए गए, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों उन्हें ठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़ ली, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ उठे, चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस